नमस्कार दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में से है। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में रशिया में, फीफा ने बताया कि करीब 3.572 बिलियन लोगों ने उसे देखा टीवी पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, पूरी धरती पर रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने इस एक सिंगल स्पोर्टिंग इवेंट को देखा। इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस नंबर्स देखने को मिल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस पर। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है इस फीफा को लेकर जो बिजनेस मॉडल होता है वो कैसे काम करता है? फीफा एज एन एजेंसी कैसे पैसे कमाती है और दुनिया भर के अलग अलग देश क्यों अपने देश में वर्ल्ड कप को कराना चाहते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस बार कतर में हो रहे 22वें वर्ल्ड कप में 32 टीमें हैं। FIFA says alcohol sales have been banned. The decision is clear. I think personally, for 3 hours a day, you cannot drink a beer, you will survive. The most deadly Middle East construction project. Qatar's treatment of the LGBTQ community. FIFA is under fire. फीफा शब्द का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच शब्द है, मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती तो उस सेंस में प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना साल 1904 में करी गई थी रॉबर्ट ग्वेरिन के द्वारा। ये वो आदमी थे जो 7 अलग अलग मेंबर देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेकर आए। ये लोग पेरिस में बैठे और फीफा के फाउंडेशन एक्ट की साइनिंग करी गई। फीफा की स्थापना के बाद ये पहले प्रेसिडेंट भी बने फीफा के। करीब 118 साल हम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज के दिन फीफा से 211 टीम्स अफिलिएटेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे अलग देश नहीं है, इनमें से कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जो अलग अलग टेरिटरीज हैं कुछ नेशंस की, जैसे कि मकाओ और यूएस वर्जिन आइलैंड्स। फीफा में इनकी टीम है लेकिन ये सेपरेट कंट्रीज नहीं है। ये सारे अलग अलग देशों की टीम्स एक्चुअली में ब्रॉडर कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड है। 6 ऐसी कॉन्फेडरेशंस है, हर एक कॉन्टिनेंट पर एक कॉन्फेडरेशन है फीफा की। तो ये हो गई अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशेनिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन एक साथ हैं और एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ है। इकलौता कॉन्टिनेंट बचा एंटार्क्टिका, जिसकी अपनी खुद की कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर इतने लोग ही नहीं रहते। अब एक कमाल की चीज जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, इवन दो फीफा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, फीफा एक एनजीओ है। सही सुना आपने, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाने के पीछे पर्पस बताया गया है फुटबॉल को दुनिया भर में प्रमोट करना। लेकिन जैसे बाकी एनजीओज अक्सर सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे ही फीफा के भी अपने सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। फीफा फाउंडेशन को साल 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह, जिसका पर्पस था फुटबॉल की पॉजिटिव पावर को मोबिलाइज करना लोगों की जिंदगियां इंप्रूव करने के लिए। तो काफी हद तक कुछ सेंस में फीफा भी बाकी एनजीओस की तरह काम करता है सोशल वर्क में। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर कौन बैठा है? तो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी फीफा की है दोस्तों, फीफा काउंसिल। 37 अलग अलग मेंबर्स इस फीफा काउंसिल में बैठते हैं। इनका एक प्रेसिडेंट होता है जिसे फीफा कांग्रेस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, 8 वाइस प्रेसिडेंट्स और 28 बाकी और मेंबर्स। फाइनेंशियली देखा जाए तो फीफा 4 साल की साइकिल पे ऑपरेट करता है, वर्ल्ड कप के अराउंड इसकी साइकिल्स रिवॉल्व करती हैं। तो 2015 से 18 तक की जो साइकिल थी, जो पीरियड था, इस 4 साल में फीफा ने 6.4 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाया। इसमें 2018 का वर्ल्ड कप इंक्लूड हो गया और इस 6.4 बिलियन डॉलर्स में से 83% पैसा जो आया वो फीफा ने वर्ल्ड कप 2018 से कमाया। अगली जो साइकिल है 2019 से 22 तक की, वो 2022 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल डिटेल्स पता लगेंगी। लेकिन एस्टिमेट किया गया है कि फीफा ऑलरेडी रिकॉर्ड रेवेन्यूज कमा चुका है 7.5 बिलियन डॉलर्स के और नेक्स्ट साइकिल में इसका रेवेन्यू 10 बिलियन डॉलर्स तक टच कर सकता है। यानी इन 4 सालों में फीफा की कमाई ऑलमोस्ट डबल हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे? 2 कारण बताए जाते हैं। पहला है वुमेन्स सॉकर को लेकर जो इनकी नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है। 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसके लिए ऑलरेडी सेपरेट स्पॉन्सर डील साइन करी जा चुकी है। क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप अब ज्यादा पॉपुलर बन रहा है तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आ गई यहाँ पर फीफा के पास। और दूसरा कारण है कि 2026 में जो अगला वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो और भी बड़ा वर्ल्ड कप होगा। 32 की जगह उसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, यानी ज्यादा फुटबॉल मैचेस होंगे। और ज्यादा फुटबॉल मैचेस होने का मतलब है कि एडवर्टाइजर्स को ज्यादा जगह मिल पाएगी अपना कंटेंट दिखाने के लिए, ऑडियंस की तरफ से भी ज्यादा देर तक अटेंशन बनी रहेगी वर्ल्ड कप पर। ये 2026 वाला वर्ल्ड कप वैसे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको 3 देशों में होस्ट किया जाएगा। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ही यहां पर सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट हो रहा है,
तो फीफा वर्ल्ड कप से ही 95% रेवेन्यू आज के दिन फीफा के पास आता है। तो एग्जैक्ट रेवेन्यू शीट देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी वाले वर्ल्ड कप की नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही हमें इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पता लगेंगी। तो इस वीडियो के लिए 2015 से 18 तक की जो साइकिल हुई थी उसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे। अब पहला और सबसे बड़ा जरिया कमाई का है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पिछली साइकिल में $6.4 बिलियन रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था उसमें से $3.1 बिलियन सिर्फ टीवी राइट्स से आया था। वर्ल्ड कप को 140 से ज्यादा देशों में दिखाया जाता है और हर देश में अपना अलग टीवी चैनल है जिस पे आप फुटबॉल के मैचेस देख सकते हो। ये टीवी चैनल्स फीफा को पैसे देते हैं ताकि ये राइट्स ले सके कि हमारे ही टीवी चैनल पर फीफा के मैचेस दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रिलायंस बैक्ड वाईकॉम 18 ने ये डील करी 450 करोड़ रुपीज देकर। यही कारण है कि आप आज के दिन फीफा के मैचेस को स्पोर्ट्स 18 चैनल और जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा जरिया मार्केटिंग राइट्स। पिछली वर्ल्ड कप की साइकिल में करीब $1.66 बिलियन फीफा ने यहां से कमाए। अलग अलग कंपनीज और ब्रांड्स ने फीफा को पैसे दिए ताकि वो एड्स दिखा सके अपनी मैचेस के दौरान। सबसे ऊपर आती है फीफा पार्टनर कंपनीज जैसे कि एडिडास, कोका कोला, वांडा ग्रुप, ह्यूंडाई, किया, कतर एयरवेज, कतर एनर्जी, वीजा। फिर आते हैं स्पेसिफिक वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स जिन्होंने सिर्फ पैसे दिए हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान हमारी एड दिखाई जाए। इसमें आ गए आपके मैकडॉनल्ड्स, वीवो, crypto.com, बुडवाइजर, बायजूस। 2018 में एक रशियन गैस कंपनी गैसप्रोम भी स्पॉन्सर थी लेकिन उस पर बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं यूक्रेन की वॉर की वजह से। इसके बाद आते हैं रीजनल सपोर्टर्स, बॉस, फाइन वाइट, याडिया, ऑफिशियल टाइमकीपर ऑफ फीफा हबलर्ट। इन सारी अलग अलग कंपनीज ने फीफा को पैसे दिए ताकि एड्स दिखाई दें और 26% रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली यहां से आया। पहले दो तरीकों को अगर एडअप करोगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स, तो करीब 75% रेवेन्यू फीफा का सिर्फ इन्हीं चीजों से आया। तीसरा फिर जाकर आते हैं टिकटिंग राइट्स, जो टिकट्स बेची जाती हैं स्टेडियम्स में, लोग मैच को जब देखने आते हैं वहां से जो पैसे कमाए जाते हैं। पिछली साइकिल में फीफा ने $564 मिलियन टिकट सेल्स से कमाए। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ज्यादा टिकट बेची जाएंगी तो और भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा $148 मिलियन करीब आए हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन राइट्स से 2018 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, और टोटल में करीब 11% रेवेन्यू इस कैटेगरी से बना। चौथा जरिया है फीफा के ब्रांड के लाइसेंसिंग राइट्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो गेम है, फुटबॉल का गेम है, फीफा का लोगो उस पर लगाया जा सके, फीफा को इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे तो कुछ पैसा वहां से भी आता है। पिछली साइकिल में $600 मिलियन यहां से आए। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल इसका है फीफा ई वर्ल्ड कप ग्रैंड फाइनल 18, एक ऐसा इवेंट जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पांचवा और आखिरी जरिया है बाकी और बचे हुए जो छोटे मोटे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जैसे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो गया, पेनल्टीज और अपील्स जो गेम्स के दौरान हो गई, फीफा क्वालिटी प्रोग्राम हो गया, रियल एस्टेट को रेंट आउट करना हो गया, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल म्यूजियम हो गया, फिल्म और वीडियो राइट्स बेचकर पैसे कमाना हो गया। ये सारे छोटे मोटे सोर्सेज हैं अगर टोटल अमाउंट से कंपेयर किया जाए तो, इन सबसे मिला मिलकर $322 मिलियन है। इन सारे छोटे मोटे सोर्सेज में से सबसे बड़ा इनकम सोर्स था एनुअल फीफा क्लब वर्ल्ड कप, $123 मिलियन वहां से है। ये बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जिसमें 7 टीम्स पार्टिसिपेट करती है नॉकआउट टूर्नामेंट में, 6 कॉन्टिनेंटल चैंपियंस लीग के 6 विनर्स एक साथ कंपीट करते हैं और 7वीं टीम होती है जो होस्ट कंट्री होती है। पिछले साल चेल्सी ने इस टूर्नामेंट को जीता था। चेल्सी आर द क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस, अ ड्रामेटिक फाइनल, चेल्सी 2। अब बात करते हैं दोस्तों खर्चों की, कहां पर फीफा को एक्चुअली में पैसा स्पेंड करना पड़ता है। ये बात भी सुनकर आपको बहुत शॉकिंग लगेगी लेकिन एक्चुअली में फीफा को हार्डली कोई पैसा स्पेंड करना पड़ता है, ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं है इनका। मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाने की जो कॉस्ट होती है वो होस्टिंग कंट्री बेयर करती है, तो जिस देश में वर्ल्ड कप कराया जा रहा है उस देश की सरकार पे करती है मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। टैक्सेस की बात करी जाए तो फीफा को कोई टैक्स का पैसा भी नहीं देना पड़ता, इसकी आगे मैं वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ प्राइज मनी की कॉस्ट बची यहां पर, जो प्राइज दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को। ये इकलौता मेजर कॉम्पोनेंट है कॉस्ट का जो फीफा को उठाना पड़ता है। इस 2022 वाले वर्ल्ड कप के लिए टोटल प्राइज है $440 मिलियन का,
जो टीम जीतेगी उसे $42 million मिलेंगे, सेकंड आने वाली टीम को 30 million, और बाकी सारी टीम्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में, 27 million से लेकर $9 million तक। इसके अलावा गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने की जो कॉस्ट पड़ रही है एग्जैक्टली कितनी पड़ती है वो होस्ट कंट्री को, अभी 2022 वाले वर्ल्ड कप का ही एग्जाम्पल लें तो बताया गया है कई मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, जैसे कि फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग, कि कतर ने $200 billion स्पेंड किए वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने में। लेकिन ये $200 billion का नंबर थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि कतर सरकार के द्वारा इस वर्ल्ड कप को होस्ट कराना एक कतर नेशनल विजन 2030 का पार्ट देखा जा रहा है। इस वर्ल्ड कप के लिए कतर ने अपना एक मॉडर्न मेट्रो सिस्टम बनाया, ऑब्वियसली जिसे बाद में भी यूज किया जाएगा वहां रहने वाले लोगों के लिए। इन्होंने अपना एयरपोर्ट एक्सपेंड किया, नए होटल्स बनाए, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए अपनी कैपिटल सिटी दोहा में। तो कुछ पोर्शन यहां पर कॉस्ट का जो स्पेंड किया गया वो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया गया, बल्कि वो वर्ल्ड कप के बाद में भी काम आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कतर को जो वर्ल्ड कप होस्ट करवाने की कॉस्ट पड़ रही है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही है। फॉर एग्जाम्पल 8 venues हैं जहां पर ये मैचेस होस्ट कराए जा रहे हैं कतर में, 8 में से 7 को सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए ही बनाया गया। इनकी सरकार का कहना है इन 7 stadiums को बनाने की कॉस्ट $6.5 billion पड़ी। कतर को एक्चुअली में 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए चुना गया था साल 2010 में ही ऑलरेडी। द विनर टू ऑर्गेनाइज द 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज कतर। USA, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई लोगों ने बिड करी थी 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, लेकिन कतर को चुना गया। इसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई है, एलेज किया जाता है कि यहां पर करप्शन भी हुआ है। उस वक्त के फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने कहा था कि ये बड़ी अच्छी चीज है कि नए देशों में फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा। ये पहली बार है वैसे किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में फीफा के वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब सेम आदमी कह रहे हैं कि ये एक गलती थी इन्हें वर्ल्ड कप होस्ट कराने देना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कई रीजंस बताए जाते हैं इसके पीछे, कई कंट्रोवर्सीज जो कतर को लेकर हुई हैं। पहला, माइग्रेंट एक्सप्लोइटेशन। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से आए कई वर्कर्स को कहा जाता है, एलेज किया गया है कि उन्हें जबरदस्ती फोर्स लेबर की तरह काम करना पड़ा। वो अपनी जॉब्स नहीं बदल सकते थे, देश छोड़कर नहीं जा सकते थे और महीनों तक उन्हें अपनी पेमेंट का इंतजार करना पड़ा। Since the early 2000s, so many foreigners have come to work in Qatar, they now make up 80% of the total population. ये वो लोग थे जिन्होंने स्टेडियम्स की डेवलपमेंट करी और कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रिपोर्टेडली करीब 6,700 से ज्यादा साउथ एशियन माइग्रेंट्स की डेथ्स हुई हैं 2010 से। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक पोल के अकॉर्डिंग 73% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि फीफा को करीब $440 मिलियन साइड में रख देने चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए। दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी उठी एलजीबीटी राइट्स को लेकर, जो कि कतर में लीगल नहीं है और इनफैक्ट जो फेमस रेनबो फ्लैग्स हैं LGBT के, उन्हें दिखाने पर भी बैन लगाया गया। फिर अल्कोहल को लेकर एक कंट्रोवर्सी उठी थी। बुडवाइजर एक अल्कोहल का ब्रांड है जिसने $75 मिलियन की डील करी फीफा के साथ ताकि इसी ब्रांड की अल्कोहल को स्टेडियम्स में बेचा जा सके। लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से करीब 2 दिन पहले उन्हें बताया जाता है कि किसी भी मैच के दौरान कोई अल्कोहल की बिक्री नहीं होगी। फाइनली सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर था इस पूरे इशू में कि कतर को कैसे होस्टिंग राइट्स दिए गए वर्ल्ड कप होस्ट करने के। 2010 में जब ये डिसीजन लिया गया था तब से लेकर आज तक 22 में से आधे से ज्यादा मेंबर्स फीफा की एग्जीक्यूटिव कमिटी के, उन्हें या तो इम्प्लीकेट किया गया है या इन्वेस्टिगेट किया गया है एलिजिट करप्शन और बाकी बैड प्रैक्टिसेस के लिए। कई ब्रांड्स जैसे कि फ्लाई एमिरेट्स, कोका कोला, सोनी, एडिडास और वीजा ने स्टेटमेंट्स भी रिलीज करी थी इस इशू को कंसर्न करते हुए। आरोप ये लगाया जाता है कि रिश्वत दी गई थी फीफा के टॉप मेंबर्स को कि कतर को ही होस्टिंग राइट्स दिए जाएं। वैसे क्या आप जानते हो फीफा एक्चुअली में 7 अलग अलग गारंटीज और डिक्लेरेशंस मांगता है उस सरकार से जिस देश में वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है। ये गारंटीज कई इश्यूज से रिलेट करती हैं, जैसे कि वीजाज, परमिट्स और इमिग्रेशन इश्यूज, दूसरा वर्क परमिट्स और लेबर लॉ एग्जेम्पशंस, तीसरा सेफ्टी और सिक्योरिटी, चौथा प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कमर्शियल राइट्स, फिर टेलीकम्युनिकेशंस, वेवर, इंडेमनिफिकेशंस, अदर लीगल इश्यूज और फाइनली टैक्स एग्जेम्पशंस। तो फीफा की तरफ से इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक देश के लिए कि भाई अगर तुम्हारे देश को वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो ये सारी कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी, हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे तुम्हें, सारा खर्चा भी तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा और ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं ये तो होंगी तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर आप सोचोगे कि एक देश को क्या मिल रहा है वर्ल्ड कप होस्ट करके, कोई देश अपने देश में क्यों वर्ल्ड कप होस्ट कराना चाहेगा जब इसका इतना खर्चा उठाना पड़ता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा बेनिफिट बताया जाता है, सॉफ्ट पावर बढ़ती है एक देश की, कि भाई हमारे देश ने इतने बड़े इवेंट को होस्ट कराया है तो इसका मतलब कि हमारा देश काफी स्टेबल है, फाइनेंशियली सिक्योर है,
इसलिए बाकी जगहों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है हमारे देश में। लेकिन कतर के केस में क्योंकि इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, तो क्रिटिक्स मानते हैं कि शायद कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा आएंगी नहीं वहां पर और ये बेनिफिट इतना काम ना करे। दूसरा बेनिफिट बताया जाता है कि जो स्टेडियम्स बनाए गए हैं उसका बाद में जो आम जनता है उस देश में रहने वाली वो बेनिफिट उठा सकती है, स्पोर्ट्स को एक बूस्ट मिलेगा उस देश में। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? कई देशों में इसका उल्टा ही देखने को मिलता है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो स्टेडियम्स बनाए गए हैं वो यूजलेस पड़े रहते हैं। ब्राजील में जब फीफा का 2014 का वर्ल्ड कप हुआ था, इन्होंने $3 बिलियन स्पेंड किए थे, 12 नए या हेविली रिफर्बिश स्टेडियम्स बनाए थे, लेकिन एक साल बाद ही पता चला कि इनका $550 मिलियन में बनाया गया माने गार्निचा स्टेडियम एक्चुअली में बस पार्किंग लॉट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कुयाबा वाला स्टेडियम जो $2015 मिलियन की कॉस्ट में बनाया गया था, वहां के लॉकर रूम्स में होमलेस लोग रात में शेल्टर लेते दिख रहे हैं। नटाल में इनका बनाया गया स्टेडियम एक्चुअली में पैसे जनरेट करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर शादियां करवा ली जाएं या बच्चों की बर्थडे पार्टीज करा ली जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। एक और बेनिफिट बताया जाता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी वर्ल्ड कप होस्ट कराने से, लेकिन कई डेवलपिंग कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट उल्टा ही देखने को मिलता है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफी स्ट्रेन्ड पड़ जाता है। स्विस बेस्ड एनजीओ टेरे दे होमिस ने बताया कि 2014 के वर्ल्ड कप में ब्राजील में हजारों परिवारों को एक्चुअली में जबरदस्ती रीसेटल कराया गया बेसिक हट्स में, जहां पर कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, पॉवर्टी में धकेले गए हजारों लोग। इसके अलावा दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स कराए गए, सिमिलर एक्यूजिशन लगाया गया वहां पर। HLRN ने एस्टिमेट लगाया कि हजारों लोगों को घरों से बाहर धकेला गया क्योंकि स्टेडियम्स बनाने थे, बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स बनाने थे, सड़कों को वाइडन करना था, शहर की ब्यूटिफिकेशन करनी थी, और इनका अनुमान था कि दिल्ली में CWG की वजह से 2.5 लाख लोग होमलेस हुए। एक और क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये था कि ब्राजील ने जितना पैसा अपने वर्ल्ड कप को होस्ट करने में स्पेंड किया, उतना ही ब्राजील की सरकार का इनके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बोल्सा फमिलिया के लिए पूरे साल 2013 में, एक ऐसा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जिस पर 50 मिलियन लोग रिलाय करते हैं। तो जो पैसा अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए स्पेंड किया जा सकता था उसे यहां पर स्टेडियम्स बनाने में स्पेंड किया गया, वो स्टेडियम्स जो बाद में काम नहीं आए बनने के। इंडिया में आज के दिन भी हमें कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कैसे हमारे एथलीट्स के पास बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। तो शायद ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील और इंडिया में अगर कोई वर्ल्ड कप होस्ट कराया जाता है तो उतना फायदेमंद नहीं होता वो जितना एक डेवलप्ड नेशन के लिए होता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट बताया जाता है कि GDP बूस्ट होगा। हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया भर से लोग स्टेडियम्स में मैच देखने आएंगे तो वो अपने साथ पैसा लेके आएंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा देश का, और ये एक्चुअली में एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें कोई दो राय नहीं है। कतर वाले वर्ल्ड कप के लिए एस्टिमेट किया गया है कि 1.2 मिलियन विजिटर्स आएंगे कतर देश में और $17 बिलियन कतर की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक देश अगर वर्ल्ड कप होस्ट करा रहा है तो उसे सिर्फ नुकसान ही हो, कई फायदे भी होंगे। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर कोई देश वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है तो उसे अपनी कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि अगर हमने वर्ल्ड कप किया अपने देश में तो कहां कहां हमें फायदा होगा, कहां कहां नुकसान होगा, और ओवरऑल इसका इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फिर डिसीजन लिया जाए वर्ल्ड कप होस्ट करने का। क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जिसका हाईएस्ट GDP पर कैपिटा है पूरी दुनिया में, तो शायद से इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद भी कतर को यहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही दिखे इस वर्ल्ड कप का। यहां पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया, बाकी और बिजनेस मॉडल वाले वीडियोस इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। पूरी सीरीज बना रखी है अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग चीजों के बिजनेस मॉडल बताते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।